दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पांच प्रॉब्लम टाइबेटन मैस्टिफ की। अगर आप इस डॉग को पालोगे तो आपको झेलनी पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं डॉग्स बायोग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें फर्स्ट प्रॉब्लम की, तो ये जो डॉग है ये मैच्योर होता है 2 साल में। मतलब आपको 2 साल तक इसको मतलब कुछ चीज समझ में नहीं आएगा। आप मेरी बातों को अब ध्यान से सुनना, ठीक है? तो 2 साल तक इस डॉग को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अगर जैसे कोई स्ट्रेंजर है या कुछ है, तो ये डॉग उसको देख के, वो स्ट्रेंजर को देख के भौंकेगा और काट भी सकता है। अगर स्ट्रेंजर से क्लोज आया तो वो उसे काट सकता है, क्योंकि डॉग मैच्योर नहीं होगा 2 साल तक और उसकी ना समझ नहीं आएगी। बात करें कुछ और चीज़ की कि देखो, जब डॉग मैच्योर नहीं होगा तो उसके बाद कोई भी न्यू चीज़ आएगी, जैसे कोई न्यू चीज़ आएगी या कुछ न्यू होगा जो उसको पहली बार उसके सामने आया हो, तो वो उसे देख के डर जाएगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डॉग कुछ भी कर सकता है। बात करें सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक है दूसरे डॉग, ठीक है? अगर आप अपने डॉग को घुमाने ले जाओगे तो ये डॉग थोड़ा सा अग्रेसिव में आते हैं, ठीक है? तो ये दूसरे डॉग को देख के उनके ऊपर झपट भी सकता है, तो आपको इन्हें बहुत सावधानी से घुमाना पड़ेगा। और ये डॉग का जो हाइट है और जो वेट है, उसको मतलब कोई पतला दुबला इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। इसे कंट्रोल करने में मतलब कम से कम 2-40 किलो के लोग चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे इसको 40 किलो के लोग या फिर 50 किलो या 60 किलो या 70 किलो के जो लोग होते हैं, वो इस डॉग ब्रीड को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड बातें हैं कि ये डॉग फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर को कुछ भी नहीं मालूम होता कि डॉग को कैसे पालना है। तो ये डॉग बिल्कुल भी नहीं है, आप पालने की भी कोशिश मत करना, ये डॉग बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट की बात करें तो लोनलेस, इस डॉग को घर में अकेला छोड़ना मतलब बहुत बड़ा गलत काम करना, क्योंकि ये जो डॉग है जब ये घर में अकेला रहता है तो ये घर पूरा अपने आप को सर पे उठा लेता है। घर की चीज़ें नुकसान करना, चिल्लाना, हर चीज़ करना, पूरा चीज़ें फाड़ देना, तो आपको इस डॉग को घर में अकेला छोड़ के नहीं जाना है। पांचवी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये डॉग के सामने वो सब हरकतें ना करे जो इस डॉग को पसंद नहीं है। जैसे कुछ डॉग को पसंद नहीं है कि जब वो खाना खाते तो अपन को छूते तो उनको पसंद नहीं है, ठीक है? तो ये डॉग के सामने आप बिल्कुल भी ये सब चीज़ें मत करना, क्योंकि इससे ये डॉग अग्रेसिव हो सकता है। लास्ट पॉइंट 6th पॉइंट है, शायद बोल देता हूँ आपको, लेकिन ये लिस्ट में नहीं है। तो 6th पॉइंट असल में ये है कि इस डॉग को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है? मतलब अननोन फैक्ट अबाउट टाइबेटन मैस्टिफ। तो ये डॉग को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप इसे एक प्रोफेशनल ट्रेनर से ट्रेन कराए। ऐसा नहीं कि आप इसको एक यूट्यूब की वीडियो देख लियो ट्रेन कर दिया, ऐसा नहीं। और इसकी ट्रेनिंग कम से कम 5 से 6 महीना या फिर कम से कम 1 साल तक आप इसे चलने दें ट्रेनिंग को, ताकि आपका डॉग बिल्कुल भी अग्रेसिव ना हो और वो आपके साथ फैमिली बन के रहे और हाँ, वो दूसरे डॉग को नुकसान भी ना करे। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो, ठीक है? इस वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए और 6th पॉइंट भी बता दिया है कि डॉग की क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या वीकनेस है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मतलब ये एक ऐसी बातें हैं जिससे बाकी लोगों को खतरा हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर बीवेयर करने आया हूँ कि अगर आप ये डॉग पाल रहे हैं तो आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब याद से करना, क्योंकि हमारा नेक्स्ट गोल है 50,000 सब्सक्राइबर का, जो कि हमको जो कि अपन को कंप्लीट करना है। तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और दोस्तों कल शायद वीडियो आएगी टाइबेटन मैस्टिफ इन चीपेस्ट प्राइस, तो वो वीडियो को देखना, जरूर देखना। और क्या आपको एक ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें मतलब आपको डॉग के क्लोथ कम से कम रेट में मिले, मतलब 200-300 में आपको डॉग के क्लोथ मिले, जो कि विंटर चल रहा है? तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, फिर मैं रात को बना के डालूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय, अपना और अपने डॉग का अच्छे से ध्यान रखना। बाय बाय।